नगर परिषद सुजानपुर से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भूपेंद्र धीमान ने वार्ड नंबर 7 में अपने नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले उनकी पत्नी भी इसी वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं और इस बार वे खुद इस वार्ड से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड में जो काम बचे हैं उनको समय पर पूरा करवाना उनकी प्राथमिकता होगी। भूपेंद्र धीमान ने कहा कि भाजपा की आपसी खींचातानी के चलते सुजानपुर शहर का विकास रुक गया था और अब अगर सुजानपुर में कांग्रेस समर्थित नगर परिषद बनती है तो उनकी प्राथमिकता होगी कि सुजानपुर नगर परिषद को एक आदर्श नगर परिषद बनाएंगे। ऐसा है कि पहले मेरी धर्मपत्नी भी 10 साल वार्ड मेंबर रही हैं, उन्होंने भी वार्ड में काफ़ी काम करवाए हैं, लेकिन जो काम बचे हुए हैं, रुके हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। और जो हमारी पिछली सरकार रही बीजेपी की सरकार में, जो हमारी बीजेपी की नगर परिषद रही है, जो उनका आपसी तालमेल आपस में ठीक नहीं बैठा, उनकी लड़ाई की वजह से जो काम हमारे वार्ड में रुके हैं, मैं सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दूंगा और प्रायोरिटी के ऊपर उन कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं अब जो है वो आपको कांग्रेस समर्थित के तौर पर दिया गया, अगर कांग्रेस की यहाँ नगर परिषद बनती तो क्या प्राथमिकता शहर के लिए रहेंगे? शहर के लिए मेरा घर है, बरसों से मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे रहा हूँ, जन्मा पला हूँ यहाँ पे, और मुझे शहर की एक एक मोहल्ले गली का पता है। जो शहर में रुके हुए कार्य हैं उनको भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। अगर नगर परिषद कांग्रेस की बनती है तो प्योरिटी पे सुजानपुर को एक सुंदर शहर बनाने की मैं कोशिश करूँगा।